नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का आगे अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और सिलसिला बाजारों में चर्चा होने जा रही है। एक बार फिर से यहां पे कमोडिटी बाजार के बारे में जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे सिलसिला बाजारों का में। रूपा जी, सबसे पहले आपसे कैसर का आउटलुक जानना चाहूंगा। हम देख रहे हैं रूपा जी, जो कैसे सीड है अब ये भी 6400 के बाद 6500 पर एक अटक के रह गया, स्टक होके रह गया। आपको क्या लग रहा है जिस हिसाब से अब कैसर की बुवाई का जो रकबा है थोड़ा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि मॉनसून ठीक ठाक देखने को मिला है और जो प्राइसेज हैं वो भी अच्छे मिलते नजर आए थे व्यापारियों को, ट्रेडर्स को कैसर के, और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड में पहले के मुकाबले हल्की सी कमी आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कैसर का इन लेवल से एक ब्रेकआउट देना कब तक देखने को मिल पाएगा और कब तक तेजी आ पाएगी? देखिए, अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से एक्सपोर्ट डिमांड जो पहले अच्छे खासे निकलते हुए दिखाई दिए थे अब वापस से वो लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं, कम हुआ है, इसी वजह से थोड़ा सा दबाव जो है वो कमोडिटी के ऊपर बनता हुआ दिखाई दिया है और आगे भी थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है। वैसे देखा जाए तो एक्सपोर्ट जो है अभी डिक्लाइन हुए हैं, पिछले 2-3 हफ्ते में हमने देखे थे कि अच्छे खासी इसमें पहले गिरावट आई थी जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो रुक गए थे और अभी भी प्राइजेस के अंदर वापस से थोड़ा बहुत बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो एक्सपायरी वो बेहद करीब है, इस वजह से भी बाजारों में उठापटक का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में अगर थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट पिकअप होते हैं तो वापस से तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो खबरें निकल कर आ रही हैं डिमांड कम हुई है उस वजह से थोड़ा सा दबाव बना है, लेकिन 6400 दिसंबर वायदा में 6400 पर अहम सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो वापस से 6500-6600 तक जा सकता है। अदरवाइज अगर 6400 का लेवल टूट जाता है तो आपको फिर 6200 तक भी नीचे ये लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, तो फिलहाल के लिए एक बार वेट एंड वॉच करें। जिन्होंने बाइंग किया हुआ है वो भी इसमें अपना अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 6400 का एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करें, बेसिकली अगर वो ब्रेक होता है तो फिर नीचे डाउनसाइड जा सकता है, अदरवाइज 6500 के ऊपर एक बार फिर से निकलेगा तो 6600 तक का स्तर ऊपर में देखने को मिल सकता है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर बिनौला कल की, तो बिनौला कल देख रहे हैं आज भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी, आपको क्या लगता है साल के अंत तक बिनौला कल में क्या लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिनौला खल में तेजी है और मुझे लगता है कि साल के अंत तक की अगर बात करें तो आप दिसंबर एंड की बात कर रहे हैं, तो तब तक जो है अभी नवंबर का महीना चल रहा है और 1-1.5 महीने की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में मुझे लगता है कि अराउंड 2800-3000 के अराउंड जो है भाव जा सकता है। दिसंबर वायदा नहीं तो जनवरी वायदा, आप जनवरी वायदा में मान के चलिए कि आपको 2800 से लेकर 3000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि बिनौला खल में अभी और अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है, साल के अंत तक बिनौला खल आपको अच्छा मुनाफा कमवाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी नजर डालें अगर मसालों की तरफ, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया 8300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, वहीं जीरा भी 15930 का हाई लगा चुका है, 16000 से सिर्फ 70 पॉइंट की दूरी पर है, लेकिन और हल्दी में भी देख रहे हैं ठीक ठाक लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। रूपा जी, आपको क्या लग रहा है ये जो हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन मसाल में जो शानदार तेजी बनती नजर आई है, क्या ये अगले हफ्ते भी देखने को मिलती रहेगी? देखिए, मसालों में अभी छुटमुट खरीदारी है वो लोटी है और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि धनिया जो है वो ऊपर में 8500 तक की तेजी पकड़ सकता है और आप देखिए धनिया में जो है छुटमुट खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है और उसके चलते तेजी है और 8500 तक हम दिसंबर वायदा देख रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। जीरे की बात करें तो जब तक 16000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक लंबी तेजी नहीं है जीरे के अंदर, आज जरूर इसमें 1.5% का के अराउंड जो है वो तेजी देखने को मिल रही है, दिसंबर भी वायदा में भी और नवंबर में भी और जनवरी में भी सभी वायदा आज अच्छे तेजी के साथ है, लेकिन 16000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता मार्केट। पहले भी हमने देखा था कि भाव 16000 के ऊपर गया था लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड जिसके काफी ज्यादा अच्छे नहीं है जिसकी वजह से ये बार-बार कमोडिटी लुढ़क जाती है या एक रेंज में आप कह सकते हो कि ट्रेड करते हुए दिखाई देती है, तो जब तक ये 16000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक इसके अंदर बाइंग जो है वो रिस्की हो सकता है, ऊपरी स्तरों पर फिर से बाजार फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हल्दी की, तो हल्दी में अभी रुझान थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्दी ऊपर में दिसंबर वायदा 7500 के ऊपर 7520 के अराउंड निकलती है तो 7650 तक एक बार मैक्सिमम तेजी पकड़ सकती है, तो शॉर्ट टर्म छुटमुट तेजी है, 100-150 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम मसालों में फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, यहीं से रूपा जी देख रहे हैं अगर ग्वार गम को भी, तो ग्वार गम में भी जैसा आपने बीते कल को बताया था
कि ग्वार गम में जो करेक्शन आई थी वो थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। वैसे ही आज हम देख भी रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों की कीमतों में आज करेक्शन और ज़्यादा गहरा गई है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये करेक्शन अगले हफ्ते तक जारी रहेगी या फिर अगले सप्ताह निचले स्तर से खरीदारी निकलेगी? देखिए अभी ग्वार के अंदर अगर हम देखें तो फिजिकल मंडियों में खरीदारी थोड़ी सुस्त पड़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से वायदा भी लुढ़क रहा है और वायदे के अंदर भी गिरावट है, दूसरा एक्सपायरी भी है, तो ये सारे फैक्टर्स अभी अहम रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। डिमांड इन स्तरों पर थोड़ी सी कम होती दिखाई दी है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ग्वार 12,000 के ऊपर अब कुछ समय से सस्टेन है। पहले 10,000 के नीचे सस्टेन हो रही थी और अब 10,000 के ऊपर है। 10 के भी अगर आप पकड़ के चलिए तो 12,000 को भी हम इसको देख रहे हैं कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से सस्टेनेबिलिटी आ रही है। तो मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर बहुत ज्यादा कोई डाउनसाइड नहीं है, 1-2 दिन और गिरावट आ सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको हो सकता है कि अच्छी तेजी देखने को मिले। ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, प्रेशर बन सकता है, मे बी नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी के चलते भी थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है हर निचले स्तर पर। मुझे लगता है कि ग्वार में अभी पोटेंशियल है, ग्वार को बाइंग करके चला जा सकता है। जी इसी रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, क्या साल के अंत तक सोयाबीन में कुछ तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए सोयाबीन के अंदर तेजी जो है वो छुटमुट तेजी बनती हुई नजर जरूर आ रही है। अभी सोयाबीन देखिए, अभी जब तक 5800 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक लंबी तेजी नहीं है। अब देखिए हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं सोयाबीन भी 5,000-5,500 की रेंज में जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है, और अब 5,500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको मैक्सिमम तेजी 5,800 तक फिलहाल ले जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो 250 से 300 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल सोयाबीन में भी बन सकती है इन स्तरों पर, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर हम बात करें साल के एंड तक तो हो सकता है आपको ये 52-5,300 की रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई दे। जी ये सरूपा जी, बात करें अगर MCX कॉटन की तो MCX कॉटन में हमने अच्छी तेजी भी आते हुए देखी है, और वादे के साथ साथ बात करें अगर हाजिर मंडियों की तो हाजिर मंडियों में भी कॉटन की जो कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अब जो व्यापारी हैं उनको किसानों के घर जाके उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, क्योंकि सप्लाई कॉटन की काफ़ी कम देखने को मिल रही है। लेकिन रूपा जी, इसी बीच एक और खबर निकल के सामने आई है कि जो चाइना है वो अपने कॉटन की बिकवाली कर रहा है, जिसकी वजह से कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं टूटते नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इसका असर फिजिकल और फ्यूचर दोनों मार्केट्स पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर चाइना की तरफ से बिकवाली की जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर हम कॉटन का जो है हमेशा हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बार बार रिवाइज हो रहा है, उसमें कट किया जा रहा है कि इस बार प्रोडक्शन में जो है वो कमी देखने को मिल सकती है, और जिसके चलते हम देख भी रहे हैं कि तेजी देखने को मिली आगे एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप होते हुए फिलहाल दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कोई गिरावट के आसार नहीं है, छुटमुट करेक्शन आ सकती है, लेकिन अभी भी जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वायदा के अंदर भी 32,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि 33,000-33,500 से 34,000 का स्तर कॉटन में वायदा में देखने को मिल सकता है, और मंडियों में अराउंड 10,000 के करीब एक बार कॉटन जा सकता है। जी रूपा जी, आपको क्या लगता है साल के अंत तक, साल 2021 के अंत तक और साल 2022 की शुरुआत में वो ऐसी कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए साल 2021 के अंत में अगर आज हम नवंबर में बैठे हैं और अगर अब हम किसी कमोडिटी में अगर निवेश करने की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर जो है एक बिनोला खल एक अच्छा दिखाई दे रहा है, जो आपको आने वाले 2022 के शुरुआत में एक मुनाफा अच्छा देते हुए नजर आ सकते हैं, और उसके साथ अब आने वाला सिनेरियो जो है वो ग्वार का हो सकता है। अगले 2-3 महीने आपको ग्वार अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है इस साल के एंड तक। तो वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 में सिनेरियो जो है वो काफी चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ग्लोबल डिमांड कैसी रहती है, अभी जिस तरीके से सारी एक्टिविटीज हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो धीरे धीरे पिकअप आएगा और आगे आने वाले टाइम में कमोडिटीज में तेजी ही बनती दिखाई देगी। कमोडिटीज में कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है, इन्फ्लेशन भी अपना इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा, तो अभी जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है सभी कमोडिटीज का। तो मुझे लगता है कि 2022 की शुरुआत एक अच्छी हो सकती है, इसमें आपको कपास है, ग्वार है, इन चीजों के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। धनिया भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे 2022 में। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटीज के अलावा नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो बेस मेटल्स का आउटलुक मुझे काफी अच्छा लगता है, बेस मेटल्स आगे 2022 में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और
और एग्री कमोडिटीज में आप नजर रखिए ग्वार के ऊपर, इसके साथ साथ मसाले भी आगे 2022 में अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो यानी कि साल 2022 एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज दोनों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि डिमांड फैक्टर कितना है। हालांकि जो डिमांड है वो हमेशा बड़ी ही है, पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती ही है, और जब भी पैंडेमिक होता है हम देखते हैं कि कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो भी चाहे फिजिकल हो चाहे फ्यूचर हो दोनों ही मार्केट में अप होते हुए नज़र आते हैं, यानी कि बढ़ते हुए नज़र ही आते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।